हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक पहाड़ी शादी में और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होती है, यानी कि आज हम जा रहे हैं हल्दी में। तो चलो फटाफट से रेडी होते हैं। मेरे को याला फोन ले जाना है क्योंकि मम्मी फोन करेगी और इसके लिए व्लॉग दोनों फोन ले जाने पड़ रहे हैं। मैंने इससे कहा भाई, तो हाथ हाथ को भी ले लेंगे। हल्दी देखिए, इधर थोड़ा साड़ी साड़ी पे तुमने हल्दी लगा दी। तो ये है हल्दी का वेन्यू, यानी कि बैक साइड मेरे इस तरीके का पूरा। और अभी रात को शादी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल जहाँ हम आए हुए हैं, ये हमारे पहाड़ के मतलब हमारे गांव के हैं, तो इनके वहाँ हम आए हुए हैं। तो मैं हल्दी से आ चुकी हूँ एंड ये मेरा आउटफिट है। तो ये इसमें है कुछ असेंबल करने जैसा है। किसी को लगा था कि मैं नहीं गैस कर पाऊंगी, पर ये भूल थी सामने वालों की। वो तो तू नहीं कर पाएगी। आप मैंने समझ गई थी। क्या बता, चल क्या है? उल्लू किसी और को बनाना। आपको मैं ही मिलती हूँ। तू तो है ही, तो तुझे क्यों बनाऊंगा। बस करो आप। ये खोला हमने, बस इतने सारे टेप लगा के देते है ना। हाँ, वैसे भी देना जरूरी है, प्रिकॉशन सेफ्टी। ये खुल चुका है पिटारा, अजीमोबा शहंशाह। इसके अंदर से निकलती है
जब निकाल लेगी तो बता देना है, तब वीडियो ऑन करूंगा मैं। खुल गया कुछ तो। दोनों तरफ से बंद है। यही तो है स्वैग। ये देखिए इतनी मेहनत लगती है इन डब्बों को खोलने में, उससे ज्यादा इसे बंद करने में भी लगती होगी। तो इसके अंदर भाई साहब पत्थर आए हुए हैं इंपोर्ट होके। लेट्स सी मिस्टर दीपेश जोशी ने अपने के लिए क्या मंगवाया है। अगर हम उस चीज को ना काट दे तो हमें बहुत सावधानी से काटना पड़ रहा है। एक वो रखना पड़ेगा थर्मोकोल कटर। बर्तन है क्या बच्चों? तो गैस ही नहीं कर पाएगी। मैं समझ गई हूँ, किचन वाला जो असेंबल करने के लिए आता है। कोई बात नहीं, अभी अभी खोल। लेट्स सी क्या है। एक हिस्सा कटता हुआ, क्योंकि हमें कूड़ा भी नहीं करना है। ऐसे वो कर देना डाउन, अपने आप निकल जाएगा वो, उल्टा कर दे बस उसको। काश तेरे अंदर अकल होती। अबे ये तो वही है क्या जो मैंने मंगाया था? नहीं क्यों, आपका थोड़ा दूसरे तरीके से पूरी असेंबल करने वाली तो है ये शेल्फ। कर दूं पॉज? ये दरअसल एक बुक शेल्फ है ना। ये वो लग चुका है स्टैंड, देख सकते हैं आप। इसके मेहनत के पीछे है मिस्टर दीपेश जोशी। फरवरी और हमारी है एनिवर्सरी इस दिन। टडा, ये क्यूटू सा। तो यस आई एम रेडी और हम जा रहे हैं इवनिंग पार्टी में, यानी कि शादी में, जिसमें थोड़ी देर पहले हल्दी चल रही थी। और ये मेरा आउटफिट है, ये साड़ी मैंने फटफट से पहनी है, तो ये बहुत ईजी टू वेयर होती है। आई गेस शायद जॉर्जेट कपड़ा है ये, शायद हाँ वही है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, मतलब काफ़ी टाइम से रखी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कमी तो पहनूँ, तो मैंने आज पहन ली है। और मैंने इसके साथ, क्योंकि विंटर वाली शादियाँ चल रही है ना, दिन में गर्म थी बट रात को ठंडा है, तो मैंने उसके साथ अपना ये फुल स्लीव का टॉप डाला हुआ है, क्रॉप टॉप है, और हाथ में पहना है। एंड दिस इज़ माई फाइनल मेकअप। बाल थोड़े से ठीक करने बस, तो अदरवाइज आई एम फुल रेडी। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर साड़ी बांधनी आती है मुझे, क्योंकि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो चलो अब हम चलते हैं। बाय बाय। आप थोड़ा याद आओ, हाउ इज द फूड? अरे यार ये कैमरा वाला खाते समय क्यों? प्लीज बताएंगे आप प्लेट में देखिए कितना न्यूट्रिशन भरा है।